सोशल मीडिया यानी कि वो समाज जो ना किसी को जानता है ना ही पहचानता है, ज्यादातर खुद के फोटो तक को नहीं लगाते, लेकिन शेयर और लाइक के दम पर मौज मस्ती में देश को तोड़ने का काम करते हैं, आतंक फैलाते हैं और आग लगाते हैं। लेकिन हम करेंगे उनको बेनकाब जो सोशल मीडिया की आड़ में दंगा भड़काते हैं, क्योंकि हम कहते हैं सत्यमेव जयते। आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी, आज हम आपको दिखाएंगे वो विज्ञापन जिसमें लिखा है लड़की भगाओ मुस्लिम बनाओ और इनाम पाओ, और धर्म और जाति के आधार पर बनाई गई एक रेट लिस्ट हम आपको दिखाएंगे जिसमें लिखा है लव जिहाद के नाम पर रेट लिस्ट। इसके अलावा आपको दिखाएंगे युवाओं की पिटाई जिसमें लात है घूसे है, दो प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास का जिक्र है और बेरोजगारी का तमगा है। साथ ही आपको दिखाएंगे कश्मीर का वो कौन सा हिस्सा है जहाँ के एक वीडियो के जरिए देश में तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है, जवान है उपद्रवी है और मौत है। इस दौरान हम ये यकीन से कहते हैं कि अगले 24 मिनट में आपकी सोच इन तीनों वीडियो को लेकर हम बदल देंगे। तो शुरू करते हैं सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते में सबसे पहले आपको दिखाते हैं लड़की भगाओ मुस्लिम बनाओ और इनाम पाओ वाले विज्ञापन का पूरा सच। लेकिन उससे पहले इस विज्ञापन को जरा गौर से देखिए, इसमें क्या कुछ लिखा है इसको समझने की कोशिश भी कीजिए और पढ़ने की कोशिश भी कीजिए किस तरीके से जाति और धर्म के आधार पर मुस्लिम बनने का रेट तय किया गया है। इसमें बाकायदा लिखा है कि लड़की भगाओ मुस्लिम बनाओ और इनाम पाओ, वहीं नीचे लिखा है लव जिहाद की रेट लिस्ट और उसके नीचे बाकायदा हिंदू सिख ईसाई और बुद्धिज्म की लड़कियों का मुसलमान में बदलने पर क्या इनाम मिलेगा और उसका रेट भी लिखा हुआ है। इस दौरान धर्म के अंदर जाति और कर्म के आधार पर अलग अलग लड़कियों को मुसलमान बनाने का इनाम का राशि का भी जिक्र यहां पर किया गया है। यानी खुलेआम ये लिखा गया है कि गैर मुस्लिम धर्म की लड़की को मुस्लिम धर्म में लाने पर क्या इनाम यहां पर दिया जाए। लेकिन इस विज्ञापन को लेकर कुछ सवाल खड़े होते हैं, आखिर किस अखबार में ये छपा था, क्या वाकई में खुलेआम कोई ऐसा विज्ञापन छाप सकता है, इस विज्ञापन का सच क्या है और आखिर वो कौन है जिसने विज्ञापन छपवा है, उसका मकसद क्या है, क्या वाकई में खुलेआम इस तरीके की रेट लिस्ट जारी की जा सकती है, धार्मिक आधार पर क्या तनाव पैदा करने और लव जिहाद को बढ़ावा देने की कोई हिम्मत कर सकता है, आखिर ये कौन है और किसको इसका संरक्षण मिल रहा है, इसका खुलासा करें। उससे पहले आपको एक और फोटो दिखाते हैं, जरा देखिए ये विज्ञापन किसके वॉल से शेयर किया गया है और उनको जिस आधार पर टैग किया गया है वो कौन कौन है, ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस विज्ञापन को फिल्म अभिनेत्री कोइना मित्रा के वॉल से शेयर किया गया है और बाकायदा इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री कार्यालय और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया गया है और इस विज्ञापन का पर कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यानी बेहद गंभीरता के साथ इसको ना सिर्फ पोस्ट किया गया है बल्कि इसको गंभीरता से लिया भी गया है। इस दौरान जरा देखिए 1924 लोगों ने इसे रीट्वीट किया है और 2000 से ज्यादा लोगों ने इसको लाइक भी किया है जो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। यानी ये तो तय है कि ये अभी तक हजारों वॉल पर शेयर हो चुका है, यानी लाखों लोगों तक ये विज्ञापन पहुंच चुका है। लेकिन सवाल अब यह है कि कोइना मित्रा को ये विज्ञापन कहां से मिला, क्यों कोइना ने अखबार का नाम और विज्ञापन छपने की तारीख की जानकारी नहीं, इस दौरान इसको सोशल मीडिया पर किस तरीके से डाला गया, इस विज्ञापन के बाद क्या किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ये बताएं। उससे पहले इस पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं क्या क्या आई, जरा इनको भी पढ़ने की कोशिश कीजिए ताकि समझ में आ सके कि ऐसे फोटो को शेयर करने से समाज पर क्या असर पड़ता है। जरा पढ़िए, वॉल पर लिखा है कोयला जी ये पेपर कटिंग बहुत पुरानी है, इसको देखकर सरकार कब जागेगी पता नहीं, लेकिन जो लोग शिकार होते हैं वो भी नहीं जागते। नीचे हैशटैग लव जिहाद करते हुए लिखा है कि सनातन धर्म की लड़कियां अगर फंस रही हैं तो फिर आखिर क्यों फंस रही हैं। अगली प्रतिक्रिया हम आपको दिखा रहे हैं, जरा इसको भी पढ़िए। इस पे लिखा है कि इस फोटो के जरिए गांवों से लेकर गलियों तक जागरूकता फैलाने की जरूरत है और नीचे लिखा है कि सहमत है, ये अंग्रेजी में लिखे, हम इनका हिंदी रूपांतरण आपके लिए कर रहे हैं। वहीं इसके अगली पोस्ट में लिखा है कि हमारा समाज एक खतरनाक दुर्घटना के दौर में है, हमें बड़े स्तर पर ध्यान रखने की जरूरत है और शेयर करने के लिए शुक्रिया। इसके आगे क्या लिखा है ये भी जरा देखिए, जागरूकता के बाद ही हिंदू लड़कियां कैसे फंस जाती हैं इन जिहादियों के जाल में। इसके आगे क्या लिखा है ये भी हम आपको बताते नजर आए, लेकिन इस प्रतिक्रियाओं के बाद
कहा जा सकता है कि जनता को इस पोस्ट पर भरोसा हो रहा है। तो क्या वाकई में धर्म के आधार पर, धर्म विशेष के आधार पर लोगों के धर्म को बदलने के लिए एक रेट लिस्ट निकाली गई है जिसकी हेडलाइन है, लड़की भगाओ मुस्लिम बनाओ इनाम पाओ। अब इसका सच क्या है और कहां से ये फोटो फैली है, इसको समझने के लिए आपको हमारी रिपोर्ट देखनी होगी। और इस दौरान आपको ये भी हम आप बता दें कि इस दौरान हजारों कमेंट आए हैं, प्रतिक्रियाएं हैं जो बेहद अलग तरीके की हैं। उनमें से चंद प्रतिक्रियाएं ऐसी जो कह रही है कि ये फोटो सही नहीं है, लेकिन हकीकत क्या है इस रिपोर्ट में। लड़की भगाओ मुस्लिम बनाओ इनाम पाओ, लव जिहाद का आतंकी रेट, धर्म के आधार पर तैयार है रेट लिस्ट, अलग अलग धर्म में अलग अलग जाति के आधार पर इनाम है। धर्मांतरण के नाम पर रेट लिस्ट वाला खुला विज्ञापन, ये फोटो धर्म के आधार पर देश को बांटने का काम कर रहा है। यकीनन अगर ये पोस्ट फैली तो फिर दंगे भी करा सकती है। इस दौरान जरा देखिए, कोइना मित्रा जो कि एक फिल्म अभिनेत्री है उसकी वॉल से इसको शेयर किया गया और फिर 2000 के करीब लोगों ने रीट्वीट भी किया और 2000 के करीब लोगों ने लाइक भी किया, यानी हजारों के वॉल तक ये फोटो पहुंच चुकी है। लेकिन इस विज्ञापन में लिखा क्या है ये भी जरा पढ़ लीजिए। हिंदू ब्राह्मण लड़की को मुस्लिम बनाने पर 5 लाख रुपए, हिंदू क्षत्रिय लड़की को मुस्लिम बनाने पर 4.5 लाख रुपए, हिंदू ओबीसी एससी लड़की को मुस्लिम बनाने पर 2 लाख रुपए, जैन लड़की को मुस्लिम बनाने पर 3 लाख रुपए, गुजराती ब्राह्मण लड़की को मुस्लिम बनाने पर 6 लाख रुपए, गुजराती कच्छ लड़की को मुस्लिम बनाने पर 3 लाख रुपए, सिख पंजाबी लड़की को मुस्लिम बनाने पर 7 लाख रुपए, पंजाबी हिंदू लड़की को मुस्लिम बनाने पर 6 लाख रुपए, क्रिश्चियन रोमन कैथोलिक लड़की को मुस्लिम बनाने पर 4 लाख रुपए, क्रिश्चियन प्रोटेस्ट लड़की को मुस्लिम बनाने पर 3 लाख रुपए, बुद्धिस्ट लड़की को मुस्लिम बनाने पर 1.5 लाख रुपए। यानी हिंदुस्तान में जितने भी धर्म हैं उनमें किस धर्म में किस जाति की लड़की को अगर भगाकर मुस्लिम बनाया जाता है तो फिर क्या इनाम दिया जाएगा, इसी को लेकर ये रेट लिस्ट निकाली गई है जिसमें बाकायदा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री आवास और गृह मंत्री राजनाथ सिंह को टैग किया गया है। टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आपको यह तो अंदाजा हो गया होगा कि किस आधार पर, किस जाति और किस धर्म के आधार पर रेट लिस्ट यहां पर तैयार की गई। और बाकायदा यह भी बताया गया है कि किस धर्म की, किस जाति की अगर वो लड़की है तो उसके मुस्लिम कन्वर्जन पर कितना पैसा यहां पर दिया जाएगा इनाम के तौर पर। लेकिन जिस वॉल से शेयर हुई वो वॉल हमने आपको दिखाई है, प्रधानमंत्री टैग है, पीएमओ टैग है, गृह मंत्रालय टैग है और 5 दिन इस पूरे पोस्ट को यहां पर डाले हुए हो चुका है, लेकिन कोई रिएक्शन अभी तक नहीं आया। और इसलिए सवाल खड़ा होता है कि अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। हमेशा ट्विटर पर एक्टिव रहने वाली सरकार अभी तक एक्शन के मोड में नजर क्यों नहीं आ रही, जबकि कोइना मित्रा की वॉल पर इस पोस्ट को आए 5 दिन हो चुके हैं। अब इसका कारण क्या है, क्या जानबूझकर इस पोस्ट को वायरल किया गया, क्या जानबूझकर इसको फैलाया जा रहा है ताकि तनाव पैदा हो, अब इसको समझने के लिए आपको इस रिपोर्ट को देखना होगा। और ताकि आपको यह भी समझ में आ जाए कि जो विज्ञापन यहां पर जारी किया जा रहा है उस विज्ञापन की हकीकत क्या है और किस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है, ये रिपोर्ट। इस फोटो के बारे में जानने के लिए सबसे पहले जानने की जरूरत है कि आखिर ये फोटो कहां से आया, कोइना मित्रा को कहां से मिला और क्या वाकई में सही है। इसके लिए हम आपको एक और फोटो दिखाते हैं। इस फोटो को देखिए, इस फोटो में सबसे ऊपर आपको एक दिल के आकार में एक बंदूक और तीर नजर आ रहा है और नीचे बाकायदा वही रेट लिस्ट इंग्लिश में जिसका हिंदी रूपांतरण कोइना मित्रा ने शेयर किया। लेकिन आपको बता दें कि दिल वाला चिन्ह हिजबुल्ला का है, हिजबुल्ला इस्लामी आतंकी संगठन है। ये फोटो 2006 से अलग अलग वक्त में वायरल हुई है, यानी ये फोटो लगभग 12 साल पुराना है। अब 2017 में फोटो एक बार फिर वायरल हुआ था
और 2018 में तेजी से फैल रहा है। यही वजह है कि कहीं से कोइना मित्रा को भी ये मिल गया होगा जिसको फोटोशॉप किया गया। लेकिन अफसोस, कोइना ने ना तो इसकी तस्दीक की और ना ही ये समझने की कोशिश कि इस फोटो का असर क्या पड़ेगा। लेकिन सच ये भी है कि इस तरीके की खबरें अलग अलग फर्जी अखबारों के प्रिंट के माध्यम से फैलाई गई, जिनमें से कुछ के फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। इस फोटो को भी देख लीजिए। उम्मीद करेंगे कि न सिर्फ कोइना इस फोटो के लिए माफी मांगेगी बल्कि ये भी कहेंगी कि उन्होंने इस फोटो को शेयर कर गलती की। इस दौरान क्या धार्मिक आधार पर संवेदना भड़काने के लिए कोइना के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, ये प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को तय करना है, क्योंकि कोइना ने बाकायदा उनको भी इस पोस्ट में टैग किया है। टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। इस दौरान सत्यमेव जयते की पूरी टीम जिम्मेदारी के साथ कहती है कि फोटो फर्जी है और किसी भी अखबार में ऐसा कभी भी विज्ञापन कोई नहीं छापा, यानी ये विज्ञापन सिर्फ मानसिक प्रताड़ित लोगों के दिमाग की उपज है और कुछ नहीं, यानी फोटो पूरे तरीके से फर्जी है और ऐसा कोई लव जिहाद के नाम पर रेट लिस्ट कभी निकाली गई ही नहीं। लेकिन क्या वाकई में मुख्यमंत्री आवास में बेरोजगारों की जमकर पिटाई की गई, लात घूसे चली और दौड़ा दौड़ा कर उनको पीटा गया, ये भी आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हासिल के बाद आपका स्वागत है। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसके जरिए दो प्रदेश के सीएम हाउस को निशाने पर दिया गया और कहा गया कि सीएम हाउस में जमकर बेरोजगारों की पिटाई की गई, दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और क्या सरकार संवेदनहीन हो चली है और किसी की भी सुनने को तैयार नहीं। इस वीडियो के साथ सियासी कनेक्शन आपको समझाए, उससे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं, जरा इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस का गुस्सा दिखाई दे रहा है, जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं, थप्पड़, लात, घूसे, जो चला सब चल रहा है। इस दौरान तेजी से लड़के एक जगह से दूसरे जगह भागते नजर आ रहे हैं, खुद को बचाते नजर आ रहे हैं। लेकिन खाकी को इतनी बेरहमी से लाठियां क्यों चलानी पड़ी, इससे भी बड़ा सवाल यह है कि वीडियो कहां का दिखाया जा रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। अब इस वीडियो में जिस तरीके से युवाओं को पीटा जा रहा है, उसके बाद सवाल खड़ा होता है कि क्या ये कोई आतंकी है, क्या सुरक्षा को कोई खतरा है, क्या ये कोई आतंक फैलाने वाले हैं और ये वीडियो कहां का है, ये रिपोर्ट देखिए और पुलिस की लाठियों के पीछे का सत्य समझने की कोशिश कीजिए। उससे पहले आपको कुछ पढ़ा देते हैं, जरा पढ़िए कि क्या कुछ लिखा हुआ है इस पोस्ट में, क्या कुछ लिखा हुआ है जरा पढ़िए। लिखा हुआ है कि शुक्र है ये डंडे ही पड़े, वरना कोई और राज्य होता तो फिर गोली मार दी जाती। नीचे कमेंट में लिखा है कि नया भारत, गुजरात के मॉडल में प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं होती, तानाशाहों से ऐसा सवाल नहीं किया जाता। इसके नीचे कमेंट में क्या लिखा है ये भी जरा पढ़िए। पुलिस पागलों की तरह बर्ताव कर रही है, अपना आपा खो चुकी है, उनको सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। और सबसे अंतिम कमेंट जो हम आपको दिखा रहे हैं उसमें लिखा है कि योगी की पुलिस बेरोजगार युवा नौजवानों को पकौड़ा योजना के तहत रोजगार दे रही है। अब इसमें बाकायदा योगी को इसके लिए जिम्मेदार माना गया, तो क्या वाकई में ये वीडियो योगी के राज में पुलिस की गुंडागर्दी का है और जिनको पीटा जा रहा है वो कौन है, क्या इस वीडियो को कोई जो कनेक्शन है वो राजस्थान के साथ भी जुड़ता है, इसको समझने के लिए आपको रिपोर्ट देखनी पड़ेगी ताकि आपको पता चले कि दो मुख्यमंत्री हाउस, एक वीडियो और उसके बीच में सच क्या है। जरा डंडों की मार, बचाओ सरकार, शायद यही कहा जा रहा है। इस दौरान कहा गया है कि ये वीडियो उत्तर प्रदेश का बताया जा रहा है, जहां लड़कों को पीटा जा रहा है वो सीएम हाउस बताया जा रहा है, पिटने वाले लड़कों को बेरोजगार बताया जा रहा है। अभी तक इस वीडियो को 50,000 लोगों ने देखा है, 1500 से ज्यादा लोगों ने इसे शेयर किया है, तो क्या वाकई में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सीएम हाउस पर बर्बरता के साथ युवाओं को पीटा गया, क्या वाकई में बेरोजगारों की आवाज को दबाने का यही तरीका है, क्या बीजेपी इसी अंदाज में युवाओं से बर्ताव करती है। दरअसल सोशल मीडिया पर इसी तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये वीडियो सीएम हाउस यूपी का है, तो फिर हम आपको एक और जानकारी देते हैं।
कमाल की बात यह है कि इसी वीडियो को राजस्थान का भी बताया जा रहा है और सीएम हाउस को राजस्थान का बताया जा रहा है। इस दौरान क्या लिखा हुआ है जरा इसे भी पढ़िए। इसमें लिखा है कि महारानी की राजस्थान पुलिस और अधिकारियों का घिनौना चेहरा इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। अपना हक मांगने आए लोगों पर लाठियां और अत्याचार किए जा रहे हैं। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा है कि जी अब राजस्थान के युवा आपको चैलेंज देते हैं, वीडियो देखिए और सरकार और पुलिस और एसडीएम पर कार्यवाही कीजिए, है हिम्मत। इस दौरान कहा जा रहा है कि ये सब कांग्रेस नेता पवन गोदारा ने पोस्ट किया है, लेकिन फर्स्ट इंडिया इसके प्रामाणिकता नहीं करता। इस दौरान ये नहीं लिखा कि वीडियो कहाँ का है, तो फिर सवाल खड़े होते हैं कि ये वीडियो यूपी का है या राजस्थान का। क्या मुमकिन है कि एक वीडियो दो जगह का हो? क्या इस वीडियो के जरिए बीजेपी की छवि बिगाड़ी जा रही है? वो कौन है जो इस वीडियो का सियासी इस्तेमाल कर रहा है? राजस्थान और यूपी में से कहां का ये वीडियो है? एक वीडियो और दो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निशाने पर लिया गया। छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन अब सवाल ये था कि आखिर यूपी और राजस्थान में से कहां का ये वीडियो है और क्या सीएम हाउस में बेरोजगारों को पीटा गया है? जब हमने इस वीडियो की पड़ताल शुरू की तो फिर पता चला कि ये वीडियो ना तो सीएम हाउस राजस्थान का है, ना ही ये वीडियो सीएम हाउस उत्तर प्रदेश का है। तो जब इस वीडियो को गूगल पर सर्च किया गया तो पता चला कि ये वीडियो यूपी का है, लेकिन सीएम हाउस का नहीं बल्कि अलीगढ़ का है। और कमाल की बात ये है कि ये बेरोजगार नहीं है। वीडियो यूपी के अलीगढ़ का है, पिटने वाले लोग बेरोजगार नहीं है। इस वीडियो में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता है, ये एसएसपी कार्यालय के बाहर धरना दे रहे थे, एक आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग कर रही थी। इसको सर्च करते वक्त हमें एएनआई का लिंक भी मिला जिसमें बाकायदे इस वीडियो को कवर किया गया। और कमाल की बात यह है कि ये वीडियो दो महीने पुराना है जिसको अब शेयर किया जा रहा है। टीम सत्यमेव जयते, फर्स्ट इंडिया न्यूज। अब इस वीडियो के बाद हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इस वीडियो को दो अलग अलग वीडियो के जरिए दिखाने की कोशिश की गई और हकीकत यह है कि ना तो ये राजस्थान का है और ना ही ये उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का ये वीडियो है जिसके जरिए बीजेपी सरकार के दो अलग अलग मुख्यमंत्रियों की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, क्योंकि ना तो ये बेरोजगार थे, ये दरअसल एक मंच के कार्यकर्ता थे जो एसएसपी के सामने पहुंचे थे। इनके एक व्यक्ति के खिलाफ किसी ने कुछ मामला दर्ज कराया था और उसको गिरफ्तार करने की ये मांग यहां पर कर रहे थे। सत्यमेव जयते में आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।